मुश्किल वक्त गुजर गया, हुकूमत बड़े माफिया से मुकाबला कर रही है। फजल रहमान इस्लामाबाद नहीं डीजल का परमिट फतह करने आए थे। माफिया को डर है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और पैसा पकड़ा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर का दौरा, अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ और वजीर आला का दिफा, कहा 3 माह की मुशावरत के बाद अफसरान तब्दील किए। माफिया एक शरीफ सीएम के पीछे पड़ी। हुकूमत 3 माह में एक नोटिफिकेशन न बना सकी, 6 माह में अहम कानून साजी कैसे करेगी। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद जलसे में तब्दीली सरकार को निशाने पर रख लिया, कहा सेलेक्टर्स को सोचना होगा, मुल्क मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सिलेक्टेड हुकूमत को जाना होगा। हुकूमत को हाथ पकड़कर चलाया जा रहा है। वजीर आजम अपनी हर नाकामी का बोझ अफसरान पर डाल देते हैं। असल कसूरवार ब्यूरोक्रेसी का नहीं वजीर आजम का है। इतने बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हुकूमत की नाहली का सबूत है। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल की लफ्जी गोलाबारी, कहा सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तकर्री को जग हसाई बना दिया गया। नवाज शरीफ की सेहत पर समा को इंटरव्यू देने वाले डॉक्टर तफसीर को क्यों फारिग किया। वजीर आजम ने नोटिस लेकर फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। इंकशाफात पर तहकीकात की हिदायत। इंसाफ से फैसले करने वाले जजेस को अल्लाह ताला परेशानियों से निजात दिला देता है। बतौर जज जितनी इज्जत लोगों को देंगे उससे ज्यादा वापस मिलेगी। चीफ जस्टिस का बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब, कहा तकब्बुर और घुमंड इंसान को जेब नहीं देता। और हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। पेट्रोल 4 आने और मट्टी का तेल 83 पैसे फी लीटर सस्ता, शहरी जल भुनकर रह गए, कहते हैं 4 लीटर पर पूरा 1 रुपया बचेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम इमरजेंसी वार्ड। देखते रहिए समा।